आम आदमी के चरणों में नमन करते हुए यो फलस तुम्हें मिलेगा हम तो समर्पण करते हुए इस इंस्टीट्यूट के जीवन मेरे परिसर के साथीगण और प्यारे बच्चों, भारत विकास परिषद के बारे में जो तो आप थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये ऐसी संस्था है क्या कर रही है, इसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगा। भारत विकास परिषद की स्थापना 1963 में नई दिल्ली में हुई थी। आज इसकी 1500 से अधिक शाखाएं संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई हैं। ये एक गैर राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो बच्चों में युवाओं में संस्कार अपने पुराने युग को जो हमने ऋषि मुनि उनके बारे में ज्ञान, भारत देश कैसा है, भारत देश कितना प्राचीन है, उसकी कैसी कैसी धरोहर है, इन सब के बारे में बच्चों को बताने का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में करता है। यह कार्य सेवा और संस्कार के रूप में करता है। संस्कार कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय समाजवाद प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता देशभक्ति की प्रतियोगिता है, चार चरणों में आयोजित की जाती है। बीकानेर में भी ये आगामी महीने में आयोजित है, जिसकी पूरी सूचना हमारे सेक्रेटरी अतुल महोदय देंगे। इस प्रतियोगिता में देशभक्ति गीतों की डार्कनेस रिमूवल, गुरु मीन्स डार्कनेस रिमूवल, बट नॉर्मली हम लोग को गुरु का मतलब बोला जाता है टीचर, फैकल्टी, प्रोफेसर, जिसको हिंदी में बोले शिक्षक, बट ये मीनिंग नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी होगी गुरु की। गुरु मतलब जो आपको किसी भी सब्जेक्ट की अज्ञानता से बाहर निकाल, जिस लाइक जैसे आपने सुना होगा योग गुरु, योग गुरु कौन है, फर्स्ट योग गुरु कौन है अभी करंट में, रामदेव जी। क्या वो आपको पढ़ाते हैं? वो योगा सिखाते हैं, वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको डिफरेंट योगा बताते हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम्स थी आपसे रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स का उन्होंने सोल्यूशन दिया। तो ओवरऑल करना ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स का जो भी सोल्यूशन दे वो बेसिकली क्या था। बट अगेन थोड़ा सा थियोरिटिकली पढ़े इसको या समझे तो आप शायद सब लोग जानते होंगे कि फर्स्ट जो गुरु है वो कौन है। आपके लाइफ के फर्स्ट गुरु पेरेंट्स, मदर, मम्मी, हाँ माता, ठीक है, बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली, ग्रैंड मॉम। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, हम मदर को ही क्यों, क्योंकि नॉर्मली बच्चे के पास सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो मदर से नहीं होती, बट क्या हर चीज़ मदर से दादी माँ भी सीखा, दादा जी भी सीखा, पापा चाहे को साइड में कर देते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बड़े भाई बहन भी हमें सिखाते। यानी ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि जितने भी आपके एल्डर्स हैं बड़े हैं वो सब आपके बच्चे हैं। आपको किसी ना किसी तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ आपको सिखाया, आपको गाइडेंस दी, आपको सपोर्ट किया, जो भी आपके गुरु हैं। एंड आई थिंक सबके मम्मी पापा या सबके बड़े लोग ये बोलते हैं कि जो भी आपको बड़ा मिले उसके चरण स्पर्श करो, उसको विश करो। फैमिली में बोला जाता है, आई थिंक सो सबके फैमिली में बोला जाता है, या हाई फाई करते हो, क्या करते हो, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श या नमस्ते, हाय हेलो तो नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रिस्पेक्टफुली आप उनको एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो मामले रिस्पेक्ट के लिए क्या बोला जाता है, लाइन में लगते हो, दो मिनट सब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स में, तो सब आप उन सबका रिस्पेक्ट
ऑप्शन आता है वो आता है टीचर्स का, क्योंकि वो स्पेसिफिक फील्ड में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या है एजुकेशन शिक्षा, उसमें आपको सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सपोर्ट करते हैं, तो वो आपके सेकेंड कैटेगरी वाले ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से उनका धर्म ग्रुप, समझते हैं इस चीज़ को, धर्म ग्रुप हम अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं, उनके गुरु होते हैं, तो क्योंकि वो आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि गुरु का मतलब शिक्षक, गुरु का मतलब जो आपको अंधेरे से बाहर निकाले, जो आपको आपके प्रॉब्लम्स से बाहर निकाले, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो बेसिकली गुरु है, और वो गुरु आपके साथ के बंदे भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गुरु दिवस, गुरु पूर्णिमा को आता है, होपफुली सबको पता होगा, ठीक है। बट हम उस दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं जिससे हमसे ज़्यादा गुरु को कोई नहीं जानता और कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, बट उसके अलावा 364 दिन हम क्या करते हैं, नॉर्मल चलते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। टीचर ने देख लिया या बड़े ने देख लिया, आँख से आँख, आई टू आई कॉन्टेक्ट हुआ तो विश कर दिया, नहीं तो बैजो सर्विस। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यदि आप गुरु की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो सिर्फ इतना सा एक पॉइंट है कि उनका रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। एक फंडा होता है रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्ट, और इसका फंडा ये है गिव एंड टेक। यदि मैं आपको आप बोलूँगी तो होपफुली आप मुझे आप बोलेंगे एंड विद रिस्पेक्ट बोलेंगे, बट यदि मैं तुम बोलूँगी आप थोड़ा सा हेजिटेट होंगे, आप बोलोगे बट मन से नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि आप तो भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़े से अपने लाइफ में फॉलो करिए, और मेन चीज़ डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन हैं किसी भी फील्ड में तो आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, और जैसे आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके जितने भी गुरु हैं वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होंगे।